नमस्कार, मैं हूं मनीषा झा, आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने के बाद तालिबान अब सरकार बनाने की ओर बढ़ चुका है। पिछले कई दिनों से कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही सरकार बन जाएगी, लेकिन तालिबान की ओर से हर बार तारीख बढ़ाई जा रही है। ऐसे में अब इसके पीछे का कारण भी पता चल गया है। माना जा रहा है कि तालिबान के गुटों में सत्ता के बंटवारे को लेकर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। बता दें कि तालिबान की ओर से खुद इस बात को स्वीकार किया गया है कि हक्कानी ग्रुप और तालिबान इस्लामी अमीरात में सत्ता के बंटवारे को लेकर मतभेद है। इसी वजह से सरकार के गठन में भी देरी हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हक्कानी ग्रुप अफगानिस्तान की नई सरकार में किसी भी अन्य दल की एंट्री नहीं चाहता, जबकि मुल्ला बरादर की अगुवाई में तालिबान की कोशिश है कि अफगानिस्तान के अलग अलग तबकों को साथ लाया जाए और सरकार में शामिल किया जाए। इसी मुद्दे को लेकर दोनों गुटों में मतभेद हो रहा है। दरअसल अफगान मीडिया द्वारा रिपोर्ट किया गया है कि बीते दिनों पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के चीफ भी काबुल पहुंचे। जानकारी है कि उन्हें तालिबान द्वारा बुलाया गया ताकि सरकार गठन से पहले उनके संगठनों में जो मतभेद है उसे दूर करवा सके। ऐसे में हक्कानी ग्रुप और तालिबान के बीच सुलह का मामला ISI देख रही है। गौरतलब है कि तालिबान को अफगानिस्तान पर कब्जा किए हुए एक महीना होने वाला है। ऐसे में सरकार गठन को लेकर दुनिया की नजरें उस पर टिकी हुई हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एबीएन न्यूज़ के साथ।